हेलो, मेरा नाम है जावेद अहमद। मैं मोटोपिक्स का टेक्नीशियन हूँ और आज हम सर्विस करने वाले हैं BMW X1। ये हम कोई भी गाड़ी का सर्विस करने से पहले उसका ऑयल का कंडीशन चेक करती है कि इंजन फ्लश करना है या नहीं। अभी इसका ऑयल ठीक है, इंजन फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एयर फिल्टर है, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, चौकअप हो गया है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस करने के लिए हम कस्टमर को इसका कोटेशन देंगे, कस्टमर से अप्रूवल आने के बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे। अगर इसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो इससे गाड़ी के इंजन के परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा, जिससे माइलेज है, पिकअप है, ये चीज़ें लो हो जाएंगी। इस मॉडल की गाड़ी में AC फिल्टर यहाँ आता है, जो मैंने पहले से लूज करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये इसका एयर फिल्टर, इस AC फिल्टर का कंडीशन भी ख़राब है, ये देखिए इसका ही कंडीशन ख़राब है, इसको भी रिप्लेस करके लेना पड़ेगा। इसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो AC का कूलिंग कम होता है, फ्लो भी कम हो जाता है। इसका रिपोर्ट हम कस्टमर से शेयर करेंगे, वहाँ से अप्रूवल आने पर ही इसको रिप्लेस करके लेंगे। अभी हम गाड़ी का व्हील वेयरिंग चेक करेंगे, इसके सस्पेंशन में स्टेयरिंग का एंड बॉल जॉइंट और लोअर आर्म के बॉल जॉइंट का प्ले चेक करेंगे। ये हम व्हील वेयरिंग चेक हो रहा है इसका, तो ये चेक किया, इसका व्हील वेयरिंग बिल्कुल बराबर है। इसका व्हील वेयरिंग में आवाज़ होता है तो गाड़ी के अंदर काफ़ी गंदा साउंड आता है उसका। और अभी हम इसका स्टेयरिंग रैक का प्ले चेक करते हैं। ये बॉल जॉइंट का प्ले है, इसका स्टेयरिंग रैक का प्ले बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्ले नहीं है। उसके लोअर आर्म के बॉल जॉइंट भी ओके है। अभी हम इसके रियर का व्हील बेयरिंग चेक करेंगे, इसके रियर का भी व्हील बेयरिंग ओके है। हम गाड़ी का जनरल सर्विस करते टाइम सिर्फ उसका ऑयल फिल्टर ही रिप्लेस नहीं करते हैं, उसके पूरा मैकेनिकल इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें ब्रेक का भी होता है, चारों व्हील के ब्रेक का भी हम लोग इंस्पेक्शन करके लेते हैं। इसका जैसे ही मैंने खोल के रखा हुआ है ब्रेक पैड, ये इसके ब्रेक पैड का कंडीशन है जो कि काफ़ी बेटर है, इसको हम क्लीन कर कर लगा देंगे। जब ये ख़राब होते हैं तो हम कस्टमर से उसका कोटेशन शेयर करते हैं, वहाँ से अप्रूवल आने पर ही उसको रिप्लेस करते हैं। डिस्क का कंडीशन हमने चेक किया, डिस्क इसका कंडीशन बिल्कुल ओके है, ना इस पर कोई लाइनिंग है और ना ये बर्नआउट हुआ है। अभी जैसा कि अभी बताया, इसका ब्रेक पैड का कंडीशन ओके है, डिस्क भी ओके है, तो हम इसको क्लीन करके वापस फिट कर देंगे ब्रेक पैड को। जैसा कि अभी हमने आगे का ब्रेक सर्विस कर लिया है और पीछे के व्हील के हम ब्रेक सर्विस करने आए हैं, और यहाँ पर भी देखते हैं पीछे भी इसके डिस्क ब्रेक आते हैं, और जिसकी कंडीशन ब्रेक पैड की कंडीशन भी इसकी अच्छी है और इसके डिस्क का कंडीशन भी अच्छा है, और इसको भी हम ब्रेक सर्विस कर कर लगा देंगे ब्रेक पैड को पॉलिश पेपर से। ये पीछे का ब्रेक पैड है जो हम अभी क्लीन कर कर ले रहे हैं पॉलिश पेपर से। अभी हम इस गाड़ी को अंडरबॉडी चेक करने के लिए ऊपर उठा रहे हैं रैम पर। ये हम रैम पर भी कर सकते हैं और जैक लगा कर भी चेक कर सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता चेक करने में। तो हम इसका अंडरबॉडी इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं। अभी ये मैं चेक कर रहा हूँ इसका कि कहीं से कूलेंट वगैरह लीक है या नहीं। जैसा ये देखा, इसका कूलेंट का कोई लीकेज नहीं है, और अब मैं इंजन का लीकेज टेस्ट करता हूँ। ये रहा इंजन का, यहाँ पे इंजन भी लीकेज नहीं है और ना गियर ऑयल का लीकेज है नहीं है। अब ये सस्पेंशन का, ये अपना स्टेयरिंग भी ओके है, लोअर आर्म भी ओके है, और बैलेंस रॉड के बुशलिस के ठीक है, और इसका लिंक रोड भी गया हुआ है। इसका लिंक रोड ख़राब है, जैसा ये देख सकते हो आप, ये ख़राब है इसका लिंक रोड। जैसा ये आप देख सकते हैं, इसके शॉकर का किट फटा हुआ है पूरा, जिसका हम अभी कस्टमर को कोटे से देंगे, वहाँ से अप्रूवल आएगा, इसको रिप्लेस करके लेंगे हम। इसका भी शॉकर किट गया हुआ है। तो इसका साइलेंसर इंस्पेक्शन नहीं है, साइलेंसर को चेक कर रहे हैं कि लीकेज वगैरह है या नहीं। इसका साइलेंसर भी होकर कहीं से लीकेज नहीं है, और ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, एक्सल वगैरह चेक कर रहे हैं, इसका कोई से कोई लीकेज नहीं है। मैंने गाड़ी को पूरा अंडरबॉडी चेक किया, इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन में काम है जो कर लेना पड़ेगा। इसके लिए भी हम इसको कस्टमर को देंगे कोटेशन, कोट करेंगे, वहाँ से अप्रूवल आने पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे अपना। अभी हम गाड़ी का पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करने जा रहे हैं। जैसे ये खोला, अभी हम इसको ये 5W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल फिल कर रहे हैं गाड़ी के इंजन को, जो कि सर्विस में रिप्लेस किया ही जाता है। और साथ के साथ कस्टमर को भी इसका लाइव अपडेट करते हैं हम लोग, मतलब हम जो भी काम करते हैं सारे काम का कस्टमर को लाइव अपडेट दिया जाता है। अभी इसका
ये भी स्टूडेंट का लेवल का है, उसको टॉपअप करते हैं। नेक्स्ट हम इस कार जनरल सर्विस में हम गाड़ी के टायरों का भी इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि इसके टायर नया टायर इसका लगा हुआ गाड़ी का, ओके इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और पीछे का टायर हमने स्पेंड किया वो भी अच्छा है टायर। सो हमने इस कार का बैटरी भी इंस्पेक्ट किया तो बैटरी की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हम इस गाड़ी का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करेंगे, लाइट्स वगैरह ऑन है या नहीं। हैज़र्ड, अपर डिपर, देख इसकी सारी लाइट्स ऑन है। ऑन वाइपर ब्लेड, पार्किंग ब्रेक, पीछे देखो पीछे ब्रेक, रिवर्स रिवर्स, हैज़र्ड, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करने में हमें पता चला कि इसका रेयर राइट साइड का जो हैज़र्ड है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसका रिपोर्ट हम कस्टमर को शेयर करेंगे। एंड साथ ही साथ हम कार का इंटरनल का भी सारा इलेक्ट्रिकल जो भी है सब इंस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी, पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्ट करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन कर रही थी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है, तो अब हम बात करके व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग की। सो इन एवरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस हम कार का व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं, बट हाउएवर ये कार को अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं थी, कार प्रॉपर चल रही थी। सो इन एवरी जनरल सर्विस हम कार का डिटेल सर्विस हेल्थ रिपोर्ट तैयार करके ओनर से शेयर करते हैं। सो अभी हम जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में, अभी हम कार को बाहर से प्रॉपर वॉश करेंगे, इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे एंड इंजन में भी पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। तो गाइस अपने वीडियो अब तक देखें, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो गाइस इस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस हो चुका है एंड द बेसिक सर्विस फॉर BMW X1 स्टार्ट फ्रॉम ₹11,999 ओनली। सो गाइस जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ हैप्पी मोटर।